अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज है मेरे घर दावत और मैं बना रही हूँ खाना, और गर्मी है बहुत ज़्यादा तेज़। मुझे चलाना पड़ेगा फ़ैन, क्योंकि जब गर्मी हो ज़्यादा तो आपको चलाना पड़ता है फ़ैन, ताकि गर्मी हो कम, क्योंकि गर्मी बाकी बहुत ज़्यादा है। आज तो इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैं बना रही हूँ कम से कम 5 किलो की बिरयानी, और मेरे ससुराल वालों की दावत है आज। तो उस दिन मैके वालों की थी, आज ससुराल वालों की है। जूस देती हूँ तो भाई, इस वक्त मैं खाने की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मॉम वहाँ पे सब चीज़ें काट रही हैं, मसाले वगैरह ये वो। मैंने अम्मी को दे दिया हीटर पार्ट, अम्मी कर रही हैं सब। और जैसी अभी तैयारी हमारी जाती है कहीं तक पहुँचती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जूस। तो भाई, आज मेरे घर वालों की दावत है और रैप कर रही है दावत की तैयारी। जी जान, जी जान, क्या कर रही हैं आज आप? आई कर रही जी। तो भाई, ये है कढ़ाई जिसका मैंने मसाला मैरिनेट करके रख दिया। ये का एटलीस्ट कितनी 2.5 किलो कढ़ाई होगी, मतलब 2.5 किलो चिकन, बाकी उसके अंदर 1 किलो दही वगैरह मिला कर मसाले मिला कर रखती है। ये अभी कोरमा तैयार हो रहा है। ठीक है, कोरमा बनाओगी? नहीं नहीं, बनेगी बिरयानी, बस बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है। ये मैं हाफ डन करती हूँ, क्योंकि हाफ डन इसलिए करती हूँ कि बिल्कुल गल ना जाए, क्योंकि जो घर के औरतों के खाने होते हैं ना, वो पता है जब ज़्यादा बिरयानी बनाती हैं तो उनके चावल क्यों पसीज जाते हैं और सालन की बूटियाँ क्यों टूट जाती हैं, क्योंकि जो भी बाहर के शेफ होते हैं ना, वो खाना अदगला लगता है। जब दम लगता है तो वो पूरा डैम हो जाता है। तो मैं अभी इस वक्त यही कर रही हूँ, और काफ़ी काम मेरा हो गया। सलाद वगैरह बन गई, शीर कोरमा भी बन गया है। अरे है, ससुराल वालों की दावत, उनको उठाए जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है क्या? ससुराल वाले अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं सामने खड़ा हूँ तो बोलोगे, व्लॉग भी चल रहा है। व्लॉग के पीछे भी बोलती हूँ मैं। और कल मैं अपने ससुराल वालों की दावत खा के आई हूँ, तो इसीलिए। और वैसे दे रही कि उनकी दावत खा के आई हूँ, अगर उनकी दावत खा के नहीं भी आती तो भी मैं वैसे भी उनकी हर साल दावत करती हूँ। इस बार अफ्तार की इसलिए नहीं कर पाई, हम घर शिफ्ट वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा हो गया था। और गर्मी बहुत है, और इस वक्त मैं लगी हूँ कामों में। आगे जब सब कुछ मेरा काम डन हो जाएगा, डेंटल आर्डर डन हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैंने क्या क्या कारनामा अंजाम किया। ये रख दूँ फ्रिज में। चलो फिर, तुम बिजी हो मेरे ख्याल से, है ना? चलो अच्छा, चलो चलो, जब तक काम करो भाई, ठीक है? ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। ये मैंने बनाई हैं कलर्ड कस्टर्ड से बनाई हैं, यहाँ पर ये भी हो गई हैं, और ये हो गया आपका कोरमा तैयार। ये हो गई है आपकी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी से ही थक गई हूँ, अभी तो मुझे रेडी भी होना है। सैलड्स भी तैयार हो गई हैं, रायता भी तैयार हो गया है, और बस चावल भी भीग गए हैं मज़ेदार से। चावलों को अच्छी तरह हमें भीगे रहने देना है, ये जब चावल भीगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, इनको जितना भिगाएंगे उतना ही अच्छे बनेंगे। तो चावल भी भिगा दिए यहाँ पे, तो अभी प्लीज करके चिप्स लेके देखो। ये बंदा बात बात पर रोमांटिक हो जाता है। मुझे रेडी भी होना है, नहाना भी है। ओहो, मजा था सब। नहीं लगे कि अच्छी होगी, मैंने तो मैं टिक्कर खिलाया चुंदा। वो भी बनाऊंगी मैं, जो आपने मुझे दिलाई है। क्या है घर में? हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च के अंदर चिकन। थक गई मेरी बीबी है ना, थक के भूख लग गई। हाँ जाने, सही है, खा लो, खाओ और मजे करो। हाँ करो, अभी की सारी बंटी दी मैंने, बस 2-3 देखे मुझे आया। अभी होगी बारिश? नहीं होगी, मौसम बादल काले ही नहीं हो रहे। अभी नहीं होगी, इंटेलिजेंट कल वाली हो जाएगी। और अलीज भी सिर्फ मेरे साथ आज तक है, कल चला जाएगा। हाँ कल जाऊँगा,
कल एक दावत और खा के जाएगा इंशाल्लाह। यार यहाँ तक पहुँची है कि चढ़ चुका है पानी चावलों का और मैंने इसको रख दिया कि अच्छी तरह से गर्म होगा, फिर उसके बाद अभी तो आँच तक भी नहीं आई है, हल्की सी भी मतलब चुन्नी मुन्नी सी भी नहीं आई है। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने नहाने और फिर जब चावल दम लगा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मेरी नन्ना और मम्मा बिरयानी दम लगा रही है। मम्मा सच में ना आप दम लगा रही है? तो क्या झूठ में लगाऊंगी, ये रहे चावल हो गए अब बिरयानी दम लगाएंगे। अम्मी आप छोटे 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 में लो पानी, मतलब कि छोटा ले, फिर अभी हम लोग बिरयानी दम लगा रहे हैं। दम लगा लेंगे क्योंकि बड़ा पतीला है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा सब कुछ। और रोहान और अली सो रहे हैं, लगता है कि बाबा या रोहान आ रहा है। नहीं आवाज सी आई थी, आवाज से तो आई थी। अली आप क्या कहना चाहती है, आप भी बोल ले। मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं अपनी बेटी की हेल्प करवा रही हूँ। और मम्मा आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ हेल्प कराती हैं और लाओ दो मैं करीब से देखा मिलता देखा। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मेरी व्लॉग में हेल्प कर रहा है और तैयार हो गया। अपना आउटफिट दिखाओ रहमान। हाँ वाओ नाइस, मम्मा पीछे रखा होगा ना। हाँ सॉल्ट बाय आइडियाज, आइडियाज से ही लिया था, अच्छे लग रहे हो। नहीं सॉल्ट बाय आइडियाज तो नहीं है, इंजन बाय आइडिया, इंजन आइडियाज वालों का, एथनिक आइडियाज वालों का है, एथनिक है ये। सॉल्ट से ली थी, अच्छी लग रही है ईश्वर। और जानू भी वही करके सो रहा है और चावल ऑलमोस्ट हमारे लिए, देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनती है हमारे यहाँ देखा। हाँ जाओ बोलो जल्दी से दादा, ओ बाबा करें कॉल। और ये हो गए, अभी थोड़ा पानी भी छोड़ना है, मतलब कि लाइक हाँ नीचे, मतलब कि अभी तो खैर इसमें है काफ़ी। और ये देखें जी, जब दावत होती है ना तो इतने इतने पतीलों में खाना बनता है। और ये हमारे ख़ानदानी पतीले हैं, ये वाला, ये तो खैर नहीं है तो ऐसे ही हैं अभी नए नए, ये वाला। और सबसे ज़्यादा पुराना पतीला हमारा ये है, हमारी दादी के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक यूज़ हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ये तकरीबन हो गए, अब इसके अंदर मैं ज़रा जर्दे का रंग बना लूँ फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अली आ गए हमारी मदद करने के लिए, और मतलब कि ये जब आते हैं बस रायका देने के लिए आते हैं। और अब ये मसाला डालना है और मैंने देखें जी अकेले, अली आप मानते हैं मुझे मानता है क्या, शादी किसलिए की, खाने के लिए। तो मेरा पूरा खानदान कहता है कि राबिया माशाल्लाह खानों में बेस्ट है। तो भाई ये मैंने माशाल्लाह 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 तकरीबन 6 किलो की बिरयानी है, रेडी 6 किलो की। और मसाले फोड़ औरत नहीं है पर जान ये लोगों का क्या करें हम, दो काम बोलना तूने बोल ले दो है ना। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मेरे साथ हेल्प कराते हैं और अभी हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये ही कर रहे हैं बस के बिरयानी को इसी तरह दम देने की कोशिश कर रहे हैं बस। जान दूसरी तरह लगेगी ये लो जान, नहीं नहीं जान सही है क्योंकि आधी का लाए ना, ये पकड़ो अब रुक जाओ ये लें पकड़े। हाँ ये पूरा इतना इसमें डल जाएगी और धनिया पुदीना जान इसको चम्मच से हिला दें बराबर करें। ये लें जर्दे का रंग। और मैंने अपने घर वालों को चैलेंज किया था, सबने दावत की देगे मंगाई थी, मेरे नहीं मेरी बेटा बनाएगी, बस अल्लाह पाक मालूम मेरी इज्जत रखे मेरी बेगम की इज्जत रखे इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी इज्जत रखे। और जब आपका हस्बैंड अच्छा हो ना तो फिर हेल्प करने वाला तो आपको मजा आता है खाना बनाने में, ऐसा ही है जान। तो आप बताएंगे व्यूअर्स बताएंगे आपको? नहीं आप बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं ऐसे हस्बैंड किस्मत वाले किस्मत वाले और अगर मैं खाना बनाती हूँ कभी भी कभी भी कभी भी नमक में चेक करती हूँ अंदाजे से ही बनाती हूँ हमेशा, मेरा खाना अंदाजे से बनता है और अच्छा बनता है बहुत अच्छा। साथ ही साथ ना मैं आज भी ना दरमियानी कर रही हूँ
पूरा ये फुल एंड फाइन हो जाएगा। आप लोग ये देखें माशाल्लाह अपने ससुराल की दावत इतने शौक से कर रही है, तो आज के लड़कों को ये चाहिए कि अपने ससुराल वालों की दावत ऐसे ही शौक हो, जोर और शौक से करें। लड़कियां तो कहती हैं बस भाई मैं तीनों दिन बाहर नहीं गई हूँ, अली बताओ बताओ और मुझे क्या बोलते हैं सब, मैं तो बाहर घूमती हूँ एक दिन, जिसको कहते हैं एक दिन मैं बाहर नहीं गई बस मैंने अपने काम कर रहा हूँ। ब्लॉग बनाने में आसान लगे बोलते रहना बोलते रहना, वो थोड़ा सा जब मैं नहीं बोल रही थी मैं सोच रही थी मैं पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा। हाँ बस नॉर्मल डाल ना, बस इतना भी नॉर्मल नहीं डालो थोड़ा सा, तो नहीं नहीं यार तुम्हें नहीं बनाना पड़ता है ना, ऐसे तरीके में बनाना पड़ता है। नहीं नहीं बड़ा पतीला ऐसे नहीं जान, ये हमारा ख़ानदानी पतीला है ठीक है, और वो जो वो वाला पतीला है ना हमारा ख़ानदानी पतीला है, और वो जो ये जो पतीला है मेरी दादी का है, और ये जो काला हो रहा है ना ये जस्ट बिकॉज ऑफ गैस, क्योंकि हमारा सिलेंडर का गैस है और वो जान जरा आइस का सिलेंडर का गैस है और वो पतीले काले करता है सही है, तो भाई ये ख़ानदानी पतीले होते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे लग रहा है कभी बड़े ख़ानदान में ही रहे हैं और उनको पता नहीं है इस बारे में, तो जब खाने बनते हैं तो ऐसे ही पतीलों में बनते, ये मम्मी डैडी बर्तन नहीं है जो छोटे छोटे, मेरे पास मम्मी डैडी बर्तन भी हैं वो ये रहा, जब मुझे कुछ बहुत लाइट सा पकाना होता है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ या फिर ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बर्तन है ना मेरे पास कि आप लोगों की सोच होगी कि मैं बर्तनों से भरी भरी पड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम सब कुछ लो, मुझे हर चीज़ का शौक है यार, तो हर चीज़ पकड़ लेते हैं भाई, दादी की ये चीज़ यहाँ से पकड़ लो तो बोल दो इसको कुछ ना कुछ यार, अल्लाह के बंदे बनो बंदे का फिक्र बनाओ तुम लोग, पता नहीं कैसे हो, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो देखिए ताकि मैं तुम लोगों को और गंदे बर्तन दिखा सकूँ। और ओह बहुत बोल लिया, अब थोड़ा पानी पीना है यार, पढ़ा तो मेरा तो हो जाएगा। ओ वैसे कहीं मैंने डायलॉग से ही बोला था सब चीज़ अपनी जगह है, पर पानी का काम पानी करता है। ना के मिलती हूँ आप लोगों से, हाँ डालो ये वैसे ही है। तो भाई मैं रेडी हो गई, अली का फ़ोन आ रहा है, मैं रेडी हो गई गाइस, और ये है मेरा फिट। ओ पिंकी 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 पॉंकी, और ये रहा अली, और मेरा परफ्यूम लगा रहा है, लेडीज़ परफ्यूम है यार, तो मैं तुम्हारा दिखा तो है गिफ्ट, खुशबू आनी चाहिए, बहुत ही चोर है ये हर चीज़ देता है मेरी भाई। अच्छा भाई आप लोग सब पूछते हैं ना कि मेरे फैमिली कौन है, मेरी फैमिली कहाँ है, तो ये मेरा छोटा भाई है अदरान साहब, ये नैलापी, ये नैलापी के बच्चे, और ये मेरी छोटी बहन साहब, ये नैला के बच्चे हैं और अली के भतीजे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है नैलापी। और ये मेरे वाले साहब द नहीं बुन द वर्ल्ड, मेरी वालदा, और ये मेरे बड़े भनोई, और ये मानू सेठ, ये मेरी सास, अरे नन्ना आपका इधर रिजल्ट बड़ा प्यारा आ रहा है, और ये मेरी भतीजी है जो एक राज है बहुत प्यारी सी गुड़िया। हाँ भाई बेबो कभी नाम लेगा, ये तो मेरी बेगम साहिबा, आज मेरी बेगम ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, खाना खुद बनाया सारा, और मैंने अपने बड़े बहनों को चैलेंज दिया था कि मैं अपनी बेगम से खाना खुद बनाऊंगा। हाँ रिजवान भाई सही है, अच्छा बनाया, बिरयानी अच्छी है, सालन अभी नहीं खाया, सालन भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। हाँ सालन क्या सालन मैंने खाया बहुत मजेदार, और ये मेरी छोटी बहन थोड़ी सी मोटी है लेकिन छोटी है, लेकिन ये हमारी शहजादी है, सबसे छोटी है, सबसे प्यारी है, बाबा की जान, इधर आ जाओ रोहान, तो ये मेरी फैमिली है। अब आफ्टर खाना मिलते हैं, आफ्टर डिनर मिलते हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा, मेरे प्यारी जान का छोटा, ये मेरा छोटा बेटा किच्ची बाबा को, ये मेरे बेटे अली की सास है, हमारी बहन है भाई, माँ दो निकल गई। और अब ये वीडियो सेशन हो रहा है खाने के बाद, क्योंकि वीडियो तो ये मर जाएंगे पर वीडियो बनाना नहीं चाहिए। ओह लाइक शॉर्ट आउट जा रहे हैं।
क्यों सही है इंशाल्लाह भाभी जैसे कामयाब भी हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी बात है अच्छे लग रहे हैं वैसे एक वाइट दो ब्लैक नहीं सभी ब्लैक है ये भी ब्लैक है एक वाइट है बाकी ये लोग ब्लैक है अच्छी लग रही है हाँ इसीलिए अच्छे लग रहे हैं सब माशाल्लाह माशाल्लाह पैसे लगा कम से कम ये कैसे पैसे लगाए आप बोले ये सच बात बोलिए थे भी नहीं वो जी क्या करूं गोदी ले लूं अच्छा लेती हूँ अब सब जा रहे हैं दावत हो गई है हमारी अब सबको अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो तुम कैसे अल्लाह हाफिज कर रहे हो ये नहीं नहीं एक बार दे दिया ना भाई अम्मी आपने तो अब है ना तो अब दोबारा कह रही है हाँ तो अम्मी सही बात कह रही है और वो कैसे तुम जाने की बात तुम्हारा देखा कितना अच्छा बेटा दिया मेरी सास ने थैंक यू सो मच सासू माँ इतना अच्छा इतना काला बेटा मैं व्लॉग दिखा दूंगा मम्मी को देखेंगी मम्मी मैं दिखा दूंगी आज दावत का व्लॉग वो बोलेगी लाजमी राजमी ने क्या बनाया है दिखा ना एक एक चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है क्योंकि रिजवान भाई ने बोला था सब नन्ना ने बनाया होगा एक एक चीज मैंने अपने हाथ की अच्छी बहू हो ना अच्छी बहू के यही काम आपको मेरे भाई ने पसंद करा था कढ़ाई जो मैंने बनाई थी अल्लाह हाफिज इसकी नजर है अबू नजर उतार रहे हैं हाँ ये नजर बड़ी काम की होती है अबू की तो भाई अबू यहाँ नजर उतार रहे हैं अच्छा ये लाइट जलाओ ना मुझे पता है कि हम नहीं क्यों नहीं दूंगी दूंगी यार कमरे में आके देख कर आज भी थोड़ा सा फीडबैक भी लग रहा है